चलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में लेते हैं एक और नया क्वेश्चन। एक्स पावर 5 + 242 इज इक्वल टू 243 अपॉन एक्स पावर 5। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप देखो बिल्कुल सीधे तरीके से किसी भी तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं लगता, लेकिन हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है और उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम एक काम करते हैं, यहाँ सपोज़ करते हैं कि लेट एक्स पावर 5 जो है वो वाई के इक्वल है। तो अगर एक्स पावर 5 वाई के इक्वल है तो हमने एक्स पावर 5 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया वाई, हमें मिला यहाँ पर 242 इज इक्वल टू 243 अपॉन वाई। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 242 वाई इज इक्वल टू 243। 243 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 242 वाई माइनस 243 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके 243 आना चाहिए और माइनस करके 242, दो नंबर में ऐसे चाहिए, तो 243 इंटू 1। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 243 वाई माइनस वाई देन माइनस 243 इज इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारे पास सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में से आप देख सकते हो हम y कॉमन निकाल सकते हैं, हमने y यहाँ पे कॉमन निकाला। अब बचता आपके पास यहाँ पर y प्लस 243, देन सेकंड ग्रुप में से कुछ भी कॉमन नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक यानी 1 कॉमन। तो ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट कॉमन बन चुके हैं, तो y प्लस 243 इज कॉमन, देन y माइनस 1 इज ऑल्सो कॉमन इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर y प्लस 243 0 के इक्वल टू अगर होता है तो y इज इक्वल टू माइनस 243 मिलता है, और अगर आपको y माइनस 1 0 के इक्वल टू मिलता है तो y की वैल्यू 1 आती है। तो y हमने क्या एज्यूम किया था, x पावर 5, तो हम यहाँ पर x पावर 5 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू माइनस 243। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 243 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 पावर 5। इसका फैक्टराइजेशन करके आप देखेंगे तो ये 3 रेज टू द पावर 5 भी बनेगा, एक्स रेज टू द पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप क्या करते हैं, तो 5 से 5 यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाती है आपको माइनस 3। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं y इज इक्वल टू अगर 1 था आपके पास, तो y की जगह पर आप x पावर 5 पुट करते हैं इज इक्वल टू 1, और 1 को तो हम 1 पावर 5 भी लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल आउट करते हैं, x इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 1। तो यहाँ पर हमें x के दो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, माइनस 3 और 1। तो ये इसका सोल्यूशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।